क्या कर रहे हैं, आयोटा क्या पावर हो जाएगा, एक क्या एक रखेंगे तो एक दूंगा जो सिग्मा का जो है समय सा और कहाँ तक जाना है बस का और आएगा आयोटा का पावर दो, आयोटा का पावर थ्री, आयोटा का पावर लगता जाएंगे कहाँ तक। और अब इसका मान हम लोग निकालते हैं, तो कल हम लोग सीखे थे कंसेप्ट कि अगर आयोटा का चार लगातार घात हो तो वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो हम चार लगातार घात किधर से बना सकते हैं, इस तरह से एक ग्रुप है क्या, इधर पहला ग्रुप हुआ इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो, फिर यहाँ से चार लगातार घात हो रहा है यहाँ तक पांच छह सात आठ इसका वैल्यू हो गया जीरो, और दो पद हमारा बच गया आयोटा का पावर नौ आयोटा का पावर सात। इसमें कोई दिक्कत आपको, ये चार लगातार घात है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वह भी चार लगातार है तो उसका वैल्यू तो दो पद बच गया आयोटा का पावर नाइन आयोटा का पावर टेन। और इसका मान हम निकालते हैं, तो जब ये बड़ा पावर है तो आपको चार से भाग देना होगा, तो जब चार से भाग देंगे नौ में तो सिर्फ एक बचेगा तो उसको पावर पर रखेंगे, तो आयोटा पर पावर एक मतलब आयोटा हुआ, यहाँ जो भाग देंगे तो सिर्फ दो आएगा आयोटा स्क्वायर हो गया, और अब आयोटा अपने जगह पर और आयोटा स्क्वायर का मान ठीक है। इसी को पुनः हम जो है इस तरह से निकालते हैं, इसी चीज को पुनः लिख रहे हैं, एक से लेकर कहां तक पहुंचना है, और अब इधर से गुरु बना रहे हैं, यहां से गुरु बना रहे हैं भटते हुए तरफ,